प्रदेश में नशे के कारोबार चिकित्सा औषधि नियंत्रण विभाग चाहे कुछ ना कर रहे हों, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कदम उठाए हैं। जयपुर रेंज IGS सेंगाथिर के निर्देश पर SP JC शर्मा ने झुंझुनू में पुलिस को दवा के जरिए नशे के कारोबार को बंद करवाने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके बाद झुंझुनू सिटी DSP लोकेंद्र दादरवाल ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ झुंझुनू के एक दवा होलसेलर के यहां पर दबिश दी और रिकॉर्ड खंगाला, जहां पर सब कुछ ठीक मिला। लेकिन BD के अस्पताल के सामने एक दुकान में नशे के काम आने वाली कुछ दवा सर्वाधिक मात्रा में ले जानी हुई पाई गई, जिस पर उस दुकान पर भी छापा मारा गया, जहां पर काफी अनियमितता मिली, जिसकी कार्रवाई औषधि नियंत्रण विभाग कर रहा है। परसों जैसा आपको ध्यान होगा IG साहब पधार रहे थे, तो IG साहब ने निर्देश दिए थे ये कोई कि यहाँ नशे का कारोबार चल रहा है, तो साहब के निर्देश थे। इसमें कुछ इनपुट आए थे उनके पास में, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए थे। तो उसके लिए हमने कल शाम को दोपहर बाद में कार्रवाई की थी, और यहाँ पे जो होलसेलर हैं इनके, कृष्णा मेडिकल एजेंसी करौंडिया रोड पे, वहाँ पे हमने एक बार दबिश दी थी। मेडिकल डिपार्टमेंट जो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह हैं उनको बुलाया था, वो हमारे साथ में थे, तो वहाँ पे उनके स्टॉक रजिस्ट्री वगैरह हैं वो चेक किए थे ऑनलाइन, उनके पास में कितनी परचेजिंग है, कितनी सेल वगैरह हो रखी है, तो वहाँ का तो लगभग सारा कुछ सेटिस्फैक्ट्री था। उनके पास में जो परचेज कर रखी थी उसके अकॉर्डिंग उनके पास में स्टॉक भी था। फिर उसके बाद में था कि उन्होंने जिन जिन में जिनमें जहाँ पे बेच रखे हैं, जिनको ज़्यादा स्टॉक बेच रखा है, दो उसमें दवाइयाँ थी जो कि संदेह के घेरे में थी। एक तो स्पेजमो प्रोक्सीवोन प्लस आती है, कैप्सूल आते हैं वो नशे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एक जैसे कोरेक्स आता था, उसका एक सब्सटीट्यूट आता है कॉक्स नाम से करके, तो उसमें कोडीन होती है, तो वो भी नशे के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो वहाँ नहीं मिला, तो उसके बाद में वहाँ पे यहाँ पे एक नवीन मेडिकोज है BDK के सामने, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी सामना माल उठाया था वहाँ से, गोडाउन से। तो वहाँ पे हमने जब स्टॉक वगैरह देखे, तो वहाँ पे स्टॉक में उनकी एंट्री वगैरह नहीं मिली काफ़ी। तो इस संबंध में हमने जब हमारे साथ में जो टीम थी ये उनको बताया, तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें हम इसमें जो भी आगे अनियमितताएँ पाई गई हैं उस पर हमारी तरफ से डिपार्टमेंट एक्शन लेंगे। पुलिस का इसमें नहीं है, पुलिस का इलीगल पोजीशन कहीं पाया जाता है तो उसमें होता है, इसमें तो जो है इनके पास में बिलिंग के अकॉर्डिंग ही है, तो इसमें जो कार्रवाई है वो ड्रग कंट्रोलिंग ऑफिसर वगैरह हैं उनके हिसाब से बनती है, तो उसका फिर लाइसेंस सस्पेंड करते हैं, जो भी कार्रवाई करनी है वो आगे करेंगे वो।